नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। यूपी सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। योजना के मुताबिक प्रदेश की महिलाएं अब सैनिटरी पैड बनाएंगी, जिनकी पूरी प्रदेश में बिक्री होगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा को तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में सैनिटरी पैड बनाने की यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसके संचालन की जिम्मेदारी महिला समूहों की होगी। विभाग हर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में दो दो यूनिट लगाएगा। यूपी के बरेली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मुस्लिम लड़की से प्रेम प्रसंग होने पर हिंदू युवक सुनील की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। आरोपियों ने सुनील को पेड़ पर लटकाने से पहले मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके हाथ पैर बांध दिए थे। मृतक के पिता ने पुलिस से अपनी शिकायत में कहा कि उनके बेटे सुनील कुमार का गांव के ही निसार अहमद की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज निसार अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दी है। पिता की शिकायत पर शीशगढ़ थाना पुलिस कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के क्लासरूम से निकली मशरूम की पाठशाला अब लोगों के आर्थिक जीवन को मजबूत कर रही है। झांसी के टकोरी निवासी प्रवीण ने बिहार के राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर न केवल प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इनके मशरूम से बने उत्पादों की बाजार में जबरदस्त मांग है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी लोग उनसे मशरूम की खेती के बारे में जानकारी लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रहे हैं। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में मुस्लिम धर्मस्थल में 10 साल की बालिका से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप महजबी शिक्षा देने वाले मौलवी अतीक पर ही है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी मौलवी अतीक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर थाना शाहगंज पुलिस ने बताया कि आरोपी अतीक हाथरस के सादाबाद का रहने वाला है, जो सराय ख्वाजा के एक मुस्लिम धर्मस्थल में मजहबी शिक्षा देता है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मथुरा के राधा रानी मंदिर में टूटेगी 5000 साल पुरानी परंपरा, पहली बार कोई महिला सेवादार अब कराएंगी पूजा। पीएमसीएम पर कमेंट करने वाली हेडमास्टर निलंबित, मुस्लिम शिक्षिका पर हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने का आरोप भी, टीचर्स को देती थी गाली। त्रिवेणी घाट से गौमुख संकल्प कलश यात्रा गंगा तट से रवाना, गंगा स्वच्छता और निर्मलता का दिया संदेश। नोएडा से लगभग दोगुना बड़ा औद्योगिक हब बनेगा न्यू नोएडा, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी के मोदीनगर में गौवंश की हत्या से लोगों में नाराजगी, अवशेष सड़क पर रख लगाया जाम। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।